what is up everyone, my name is Abhinav and welcome to Moto Nation and today we are going to the Kawasaki showroom Patna क्योंकि आज निंजा 400 BS6 फाइनली पटना में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है. सो वी आर इनवाइटेड एंड यू नो दिस इज द ओनली शोरूम इन बिहार एंड झारखंड रीजन, विच मीन्स अगर आप झारखंड से हो और आपको एक कावासाकी की बाइक लेनी है तो अपने बाइक की बुकिंग आपको यहीं से करानी पड़ेगी. एंड आई एम ऑलरेडी लेट तो मिलता हूँ डायरेक्ट आप लोगों से शोरूम पे ही. वाव यार ये न्यू वाली कलर काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है. दैट इज द वर्सेस 650. आवाज अच्छा है. Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. So here is the motorcycle and it's priced as rupees 4,99,000 ex showroom. Yeah, it's quite pricey because ये CVU unit के through import होके Thailand से India में आती है तो इसीलिए थोड़ी सी महंगी है. एज सच इस बाइक में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं. लुक आपको सेम टू सेम वैसा ही मिलता है बट ये जो न्यू वाला कलर स्कीम है ना विथ न्यू ग्राफिक्स ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है. सामने आपको वही सेम LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं बाई LED सेटअप और यहाँ पे आपको बॉडी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि थोड़ा सा मैंने सोचा था कि इसमें अपडेट दिया जाएगा बट नहीं दिया गया है. कम से कम इसमें LED तो फीचर करना ही चाहिए था. और यहाँ पे आपको देखो सबसे मेन थिंग जो है ना आपको कावासाकी की बाइक्स में इसमें आपको बिग बाइक वाली फ़ील आने वाली है. एकदम प्रॉपर बिग बाइक वाली फ़ील आती है. एंड इसमें एक ब्लैक कलर भी फीचर हुआ है इस बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ. सो हेयर इज़ द अनदर कलर द कार्बन ब्लैक कलर. ये कलर मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है क्योंकि इसमें आपको H2 की तरह पाउडर कोटिंग की गई है यहाँ कलर में जैसा कि आप देख सकते हो. मुझे ये पर्सनली काफ़ी प्यारा लग रहा है ये कलर. तो इस बाइक में आपको 14 लीटर्स की टैंक मिल जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस जो वो है वो सेम आपकी निंजा 300 वाली है 140 mm. और इसमें सीट हाइट है जो आपको 785 mm की मिल जाती है बट इस बाइक का जो वेट है वो काफ़ी कम रखा गया है. इस बाइक में आपको 168 kg का वेट मिल जाता है जैसा कि निंजा 300 में 179 kg की वेट मिलती है. और यहाँ पर आपको आगे सामने 310 mm की डिस्क मिल जाती है और पीछे आपको 240 mm की डिस्क मिल जाती है. दैट्स देयर. और साथ ही साथ इस बाइक में डुअल चैनल ABS आता है तो जिससे कि ब्रेकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि निंजा 300 में इंड्योरेंस के ब्रेक कैलिपर्स आते हैं और इसमें निशिन से आते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि निशिन एक ज़्यादा अच्छी ब्रांड है अगर देखा जाए तो. और इंजन जो है इंजन आपको इसमें सेम निंजा 300 वाला ही मिलता है बट इसमें जो है बोर और स्ट्रोक बढ़ा दिया गया है जिस वजह से इस बाइक की CC बढ़ जाती है और पावर बढ़ जाती है. तो इसमें आपको 399 cc की लिक्विड कूल्ड 4 wells per cylinder पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन मिल जाती है जिसकी कि मैक्सिमम पावर आउटपुट 45 bhp एट द रेट ऑफ 10,000 rpm एंड 37 Nm ऑफ टॉर्क एट द रेट ऑफ 8,000 rpm मिल जाती है. हाँ पावर थोड़ी सी ड्रॉप हो गई है. पहले इसमें 49 bhp की पावर आती थी और 38 Nm ऑफ टॉर्क आती थी बट अब इसमें थोड़ी सी पावर कम कर दी गई है. और कंपनी का ऐसा कहना है कि इसको पहले से कहीं ज़्यादा रिफाइंड बना दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मैंने पहले भी BS4 वेरिएंट चला रखी है उसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हैंडल बार और फुटपेक्स पे फील होती थी. तो इसमें आपको सामने 41 mm की टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाती है और यहाँ पर आपको इसमें फॉर्क प्रोटेक्टर्स भी मिल जाते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है. और यहाँ पर आपको इसको दोनों डनलॉप के टायर्स मिल जाते हैं. सामने में आपको इसको 110/70 R17 एट द फ्रंट एंड 150/60 R17 एट द रियर. सो हियर यू कैन सी इसमें टायर साइज आपको 150 का मिल जाता है जो कि निंजा 300 में जैपर्स आते थे 140 सेक्शन के. और इसमें आपको पीछे 7-step एडजस्टेबल मोनो क्रॉस सस्पेंशन मिल जाता है जो कि आपको इस बाइक को काफ़ी अच्छा फील देता है. आप इस बाइक को ट्रैक पे भी काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हो. और ये
पीछे से कुछ ऐसी लुक आती है इस बाइक की। यहाँ पे आपको एक सेकेंड, वेट, लेट मी टर्न ऑन द की। यहाँ पे आपको ZX Tenar जैसे टेल लाइट्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। बट फिर से यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है बल्ब मिलते हैं, जो कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यामाहा और कावासाकी एक ऐसी कंपनी है जो कि LED इंडिकेटर्स अब तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बाकी सारी कंपनी ने स्विच कर दिया LED इंडिकेटर्स पे, तो आप देख सकते हो। तो फर्स्टली आपको यहाँ पे सो हेयर इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आपको सेम पुराना वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि ZX6R में भी आता था। यहाँ पे आपको सारे लाइट्स मिल जाते हैं इंडिकेटर के, जैसे कि आपका इंजन किल स्विच हो गया और आपका न्यूट्रल का शाइन है, और यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है जो कि Ninja 300 में नहीं आता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज मीटर और इंजन कूलेंट टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अब इस बाइक की साउंड सुना देता हूँ मैं आपको। सो साउंड इसका काफ़ी बेसी है Ninja 300 से अगर कंपेयर किया जाए, तो काफ़ी बेहतर इसका साउंड आता है। ये है फ्रंट से इसका कुछ ऐसा लुक आता है, लाइट्स का बाई LED सेटअप आपको इसमें मिल जाता है। तो मेरा ऐसा कहना है, क्योंकि ये बाइक 6,500 रुपीज़ की ऑन रोड पटना में मिलती है, तो ये थोड़ी सी महंगी साइड पे रखी गई है। बट क्योंकि ये कंप्लीट बिल्ड यूनिट थाईलैंड से इंपोर्ट होके आती है, तो थोड़ी सी महंगी हो ही जाती है ये बाइक। और इसमें आपको जो ब्लैक वाला कलर मिलता है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, जो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। सो ये था इसका वॉक अराउंड वीडियो, एंड इफ यू गाइज लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल मीट यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ क्रेजी डे, पीस आउट।